So we have done the chemical formulas, right? After doing the chemical formulas, the next is atomic mass. Okay, atomic mass आप पढ़ के आए हुए हो, आपको पता है atomic masses कैसे calculate करने हैं, but actually atomic mass है क्या, हम पहले वो discuss करें. Okay, you have done the atomic masses, hydrogen का 1 है, ठीक है, carbon का 12 है, oxygen का 16 है, ये आपने पढ़े हुए हैं. ठीक है, आप उसको 16 ग्राम लिखते हैं, 12 ग्राम लिखते हैं, क्यों लिख रहे हैं हम उसको, ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे. राइट, नाउ हियर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग देम एज एन इंडिविजुअल. मतलब अगर मैं मुझे किसी एटम का एटॉमिक मास चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर एक एटम को नहीं देख रही. हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म रिलेटिव इन फिजिक्स? आपने पढ़ा होगा न्यूटन के लॉज में कि इन रिलेशन टू हम सम अदर थिंग्स देखते हैं, जैसे आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू जो बाहर है वो भी चीजें आपको मूव करती नजर आती हैं, बट एक्चुअली वे मूव नहीं करती हैं. तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो आप, रिलेटिव मींस देयर इज वन रिलेशन. ठीक है, आप ट्रेन के अंदर जो चीज है उसको बाहर के साथ रिलेट करके देख रहे हैं, ऐसे देखते हैं ना. ठीक है, तो हम भी यहाँ पे जो मासेस हैं वो इन रिलेशन टू समथिंग निकाल लेंगे. ओके, हम एक अकेले एटम निकालेंगे, हम उस एटम का एटॉमिक मास किसी और एटम के साथ रिलेट करके निकालेंगे. ओके, नाउ देयर इज वन स्मॉल थ्योरी बिहाइंड दिस. इनिशियली द साइंटिस्ट दे बेसिकली एक्सेप्टेड हाइड्रोजन एज द एलिमेंट इसके विद रिस्पेक्ट टू हम एटॉमिक मासेस निकाल लेंगे, यानी कि इसको एज अ रेफरेंस की तरह ट्रीट किया जाए. ओके, हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट की तरह ट्रीट किया गया. क्यों? क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट था, एटॉमिक मास 1 था. ठीक है, तो इसको एज अ रेफरेंस ट्रीट किया और इसको रेफरेंस लेके बाकी जो आपके एटम्स थे उनके एटॉमिक मासेस जो थे वो कैलकुलेट किए गए. बट ये रेफरेंस जो था इट वॉज नॉट सिलेक्टेड. ठीक है, इट वॉज हैविंग सम डिसएडवांटेजेस क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन के साथ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशंस नहीं हो रही थी. ठीक है, फिर हमने ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया, देन वी सिलेक्टेड द रेफरेंस एलिमेंट एज ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारों के बाद इजिली बॉन्डिंग कर लेता है. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ इजिली हो जाती है. बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि ऑक्सीजन का जो हमने आइसोटोप लिया था, जो हमने ऑक्सीजन सेलेक्ट किया था, दैट वाज 16, जिसका एटॉमिक मास 16 है. बट अलोंग विद दिस देयर वर सम अदर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन दैट विल इंटरफेयर. ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो बाकी आइसोटोप्स थे वो भी इंटरफेयर कर रहे थे व्हेन द कंपाउंड फॉर्मेशन वाज देयर. तो फिर हमने ऑक्सीजन को भी क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया. ठीक है, इसको सेलेक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता था, प्लस इसके साथ जो मोस्टली एटॉमिक मासेस आ रहे थे वो होल नंबर में थे. ठीक है, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया था क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन ज्यादा करता था और इसके साथ जो एटॉमिक मासेस आ रहे थे दे वर एक्चुअली इन द होल नंबर. बट आइसोटोप्स होने के कारण, इंटरफेरेंस होने के कारण हमें इसको नेग्लेक्ट करना पड़ा. नाउ जो केमिकल जो एलिमेंट आपका यूज होता है इन ऑर्डर टू डू द रिलेटिव एटॉमिक मासेस, दैट इज कार्बन 12. कार्बन का कौन सा आइसोटोप? 12. ओके, ये सारी समझ आई थी मुझे. नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास. दोनों चीजें सेम है. अगर आपको एटॉमिक मास पूछा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट पूछा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा जाता है, दे ऑल आर सेम. क्लियर हो गया? नाउ राइट डाउन एटॉमिक मास. व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड, when the atomic mass of an atom is expressed as the number of times of an atom number of times an atom
number of times an atom of the element is heavier than number of times the atom of an element is heavier than a carbon atom taken as 12, मतलब 12 मास वाला लेना है, कार्बन एटम टेकन एज 12, ठीक है जी। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसका लिखा जाएगा, ठीक है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, जो उस एटम का मास है उसको आपने डिवाइड कर देना है बाय द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ओके। तो जो उसके बाद आपके पास नंबर आएगा दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ एटम आपको पता है वो हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो मास है उसको कार्बन के मास से डिवाइड करना पड़ेगा। रेफरेंस ले रहे हैं ना, एज अ रेफरेंस की तरह तो हमें ट्रीट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर कार्बन के विद रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि वो कितना उसका मास है, ठीक है। तो जो आपके एटम का मास आया है आपने उसको डिवाइड कर देना है बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वो आपको उसका क्या देगा फिर, ओके। एज आई टोल्ड यू कि ये जो नंबर्स हैं ये किसमें आते हैं, आपके पास डेसिमल प्लेसेस में आते हैं, तो हम उसको राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, ओके। यहाँ पर ये नहीं है एग्जैक्टली आपको 16 मिल रहा है, एग्जैक्टली आपको 14 मिल रहा है, दे आर इन पॉइंट्स, ठीक है। तो हम उसको राउंड ऑफ करके लेते हैं, क्योंकि नेचुरली जब आप किसी चीज को डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स में तो बचेगा ही ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, ओके। अब इसके यूनिट्स, एटॉमिक मास की क्या यूनिट्स हैं, एक आप लिखते हो यू, दैट इज यूनिफाइड मास, और आप लिखते हो एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU, ठीक है। AMU की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास। और अगर आपने एटॉमिक मास नहीं लिखना है तो सिंपली आप रख लिख सकते हो यूनिफाइड मास, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक, ओके। इज इट क्लियर, तो सारे यूनिट्स ही हैं ये, AMU सारे ऑल आर द यूनिट्स। नहीं वो नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अबंडेंटली आता है, ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों से रिलीज होता है, ठीक है। और उनके नेचुरली ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन की नेचुरल एग्जिस्टेंस ज्यादा है, बट कार्बन वालों की नेचुरल एग्जिस्टेंस कम है, ठीक है। बाकियों की 12 आइसोटोप तो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए बेटा, राइट डाउन। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास लिखो, एटॉमिक मास जैसे किया वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। यहां पर एटॉमिक मास था तो मास किसका लिया, एटम। यहां पर मॉलिक्यूलर मास है तो मास किसका लेंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम क्योंकि रेफरेंस तो हमारा कार्बन ही है, ठीक है। क्लियर है, और ये डेफिनेशंस आ जाती हैं पेपर में। हाँ, वी आर टेकिंग रेफरेंस कार्बन, सबके लिए अब कार्बन फिक्स्ड रखा है हमने, ठीक है। कार्बन के एक एटम का हम मास फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए बेटा, ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राम
एटॉमिक मास, ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास. व्हेन द मास ऑफ द एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, व्हेन द मास ऑफ द एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, ग्राम एटॉमिक मास. यानी कि मैं 16 अगर यू लिखा है, दैट मींस दिस इज, ठीक है, एटॉमिक मास. अगर मैं 16 जी लिख रही हूं, देन दैट इज, क्लियर हो गया. ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जैसे वाटर का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम है, 18 ग्राम. ऑक्सीजन का 18 वो बताती हूँ भी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, 18 ग्राम. फिर ये पूरे मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा. इज इट क्लियर? वाटर का H2O 16 प्लस 2 18, ठीक है. अब आगे लिखो मॉलिक्यूलर मासेस, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस. क्या लास्ट में ध्रुव है ये? आ जाओ बेटा, बाहर आओ, कम आउट बेटा. ध्रुव आपको समझ नहीं आया, बाहर आओ. Stand here. Okay, next we are going to calculate the mass of the molecules. ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन हो की है. अब कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बना है, हमने उसका जो है वो मास कैलकुलेट करना है. लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अमोनिया. ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज आप पढ़ के आयो. अब मैं आपको फॉर्मूला दूंगी, आपने मुझे मास कैलकुलेट करके देना. ओके, अमोनिया, पहले आपने अमोनिया बनाया ना, NH3. अब जो अमोनिया बनाया है उसका मास कैलकुलेट करेंगे. नाइन, कैसे? नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन है, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन. 1 × 14 इज कितने एटम है हाइड्रोजन के? 3 × 1 इज 3. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई प्लस 14 प्लस 3, दैट इज 17. क्लियर हुआ? नाइट्रोजन का मास कितना है? 14, ये लिखा. कितने एटम्स है नाइट्रोजन के? हाइड्रोजन का मास कितने एटम्स हैं? 1 × 14 = 3 × 1 = 14 + 3, ठीक है, जितने हैं सबको प्लस कर देना. क्लियर हुआ? हाँ, ये ऐसे करना. अगर आपने लिखना है राइट अप में, मैंने आपको अलग अलग स्टेप्स में बताया, आपने ऐसे लिखना है 1 × 14 + 3 × 1 = 14 + 3 = ओके, लिखना आपने ऐसे. और डायरेक्टली लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे. नेक्स्ट राइट डाउन K2CO3. अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 3 एलिमेंट्स हैं. अलग अलग एलिमेंट्स बोलो. एलिमेंट्स, एक पोटेशियम है, एक कार्बन है, ठीक है. अब पहले पोटेशियम के लिखते हैं, कितने एटम्स हैं पोटेशियम का मास? CO3.
तो अलग अलग कर देना अब हमने सबको, कार्बोनेट तो है सीओ थ्री कार्बोनेट, बट जब हमने मास कैलकुलेट करने तो हमने सिंगल सिंगल एटम को देखना है, ठीक है, अकेले अकेले एटम को देखना। पोटेशियम कितने हैं बेटा, कितने एटम्स हैं पोटेशियम के, टू, मास कितना है पोटेशियम का, 19 नंबर है, 19 टू सा 38, 38 प्लस 1 प्लस उसके बाद क्या है कार्बन, एक है तो 12 इंटू 1 इज 12, कितने ऑक्सीजन लगे हैं बेटा 3 ऑक्सीजन लगे, एक ऑक्सीजन का कितना मास है 16, नाउ कैलकुलेट इट एंड गिव मी द आंसर। साथ में यूनिट्स लगाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल लेते हैं सारे, जी भी लगा सकते हो, यू भी लगा सकते हो, ब्रैकेट्स कहाँ यूज होनी, आइदर यू कैन राइट जी, आइदर यू कैन राइट यू, आइदर यू कैन राइट ए एम यू, ठीक है, तो तीनों यूनिट्स बताए हैं, यूनिट्स होने चाहिए, जो मर्जी लगा लो, ओके, नेक्स्ट राइट डाउन PCl5। अब इसमें कौन से दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक फॉस्फोरस है और पांच क्लोरीन, एक फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा, एक फॉस्फोरस का मास बेटा 31, एक क्लोरीन का मास, ठीक है, तो पांच का निकाल लो फिर, 5 इंटू 35.5 प्लस 31 करो और आंसर बताओ। हेवन ने कुछ नहीं लिखा, क्या जरूरत है हेवन कुछ लिखने की, है ना, वेरी गुड, दैट इज 208.5, साथ में ग्राम्स यू और एम, CH2Cl2 क्या हुआ 31 प्लस 35.5 इंटू 5 कर दे, क्लोरीन है 35.5 CH2Cl2, वैलेंसी तो हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं, किसकी वैलेंसी, फर्स्ट 20 तो मैंने बताए हुए हैं, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगी, ठीक है, उसके बाद जितने हैं धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करो, वैसे भी हम बहुत सारे फॉर्मूलाज अभी करेंगे, आपको वैसे भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है, बट डेली जाके पढ़ा करो तभी लर्न होंगे। जैसे ओ एच है, हाइड्रोक्साइड है, उसकी वन है ना, एन एच फोर पॉजिटिव है, ऐसे ही याद करो, ओ एच नेगेटिव, एन एच फोर पॉजिटिव, ठीक है, सी ओ फोर थ्री नेगेटिव, ओके, एस ओ फोर टू नेगेटिव, एस ओ थ्री टू नेगेटिव, एन थ्री नेगेटिव, ऐसे लर्न करो, दैट इज 85। कार्बन 12, दो हाइड्रोजन 71, क्यों 35.5 इंटू 2, सेवेंटी है यहाँ पे, 71 है, चलो आगे लिखो, हम्म,
एसेट सल्फर का कितना होता है? है 32। वेरी गुड, 256। आगे कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन का कितना होता बेटा? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बता दिए सारे। फिर दैट इज 60। हाँ जी आ गया 60 के नहीं। नाइट्रोजन दो है, 2 × 14। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 × 1। कार्बन, 12। ऑक्सीजन कितना? 16। हाँ जी क्लियर है क्या? नहीं, दो नाइट्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है। अच्छा और दे दो। C12H22O11, इसको और क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं इसको, सुक्रोज। C12H22O11 शुगर है ये। हाँ जी डॉन, हो गया। चलिए आगे, इज दिस टॉपिक क्लियर? चलिए है, और करेंगे जब हम रिवीजन करेंगे ना, तब मैं और दूंगी, ठीक है। ग्लूकोज का निकाल लो, ग्लूकोज का निकाल लो, पहले फॉर्मूला लिख लो खुद ही। अब ग्लूकोज C6H12O6। हाय हाय, ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता आपको? हैं, बायो में क्या पढ़ रहे हो? बायो में ये नहीं पढ़ते? बायो में प्लांट्स नहीं पढ़े? कितना आया? मैं 180।
180 ग्राम. ओके हाँ जी डाल. उसके बाद नेक्स्ट लिखो. अब टॉपिक है नेक्स्ट एटॉमिसिटी. पहले डेफिनेशन लिखो एटॉमिसिटी की. एटॉमिसिटी एटम लिख के सिटी लिख दो. मी भी लिखना है एटॉमी सिटी. राइट डाउन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. द नंबर ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. कुछ नहीं करना है आपको. मॉलिक्यूल्स गिवन है. देखो दिस इज अ मॉलिक्यूल. इसमें आपने एटम्स काउंट करने हैं. बस दो पोटेशियम के हैं, एक कार्बन का है, तीन ऑक्सीजन के. थ्री प्लस वन प्लस थ्री सिक्स हो गए. ठीक है. एटॉमिसिटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपके पास एटॉमिसिटीज आती हैं या आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर मोनो एटॉमिक, दे आर डाई और बाय एटॉमिक. वैसे डाई बोलते हैं, बाय नहीं बोलना. डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा और पॉली एटॉमिक. मोनो, मोनो का मतलब कौन सिंगल रहता है. कौन से एटम्स सिंगल रहते हैं, कौन से. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अकेला रहता है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनकी एटॉमिक, जिनकी वैलेंसी जीरो है, जिनकी वैलेंसी जीरो है, दे आर मोनो एटॉमिक. नेक्स्ट इज डाई. डाई एटॉमिक मीन्स दो एटम्स हैं. ओ टू, एच टू, सी एल टू, एन टू, बी आर टू. वो ट्राई हो गया. एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, ट्राई एटॉमिक. Mg2 नहीं एग्जिस्ट करता बेटा. H2 है, H2O2, Cl2, N2, Br2. ट्राई में SO4